नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन और आप सभी का आज की वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो खास है द रीजन बीइंग, आज मैं आपको एक नई जगह में ले जाने वाला हूं जो मुझे यहां पर मिली, बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा प्यारी जगह है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गाइस। तो भाई ये है अपना प्यारा सा छोटा सा जंगल जहाँ इसको ईस्ट पॉइंट पार्क भी बोलते हैं। कभी आप ऐसी जगह में आए तो भाई मच्छर मच्छर की जो यहाँ पर ओडोमॉस टाइप की दवाइयाँ होती है अपने शरीर पे लगा कर आएँ, वरना क्या नाम है फुल स्लीव्स कपड़े ज़रूर पहन कर आएँ। और थोड़ा ना यहाँ पर अगर पौधों के बारे में नहीं पता आपको कौन सा पौधा कैसा है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा भाई एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा की तरह टच मत करना, क्योंकि तो कुछ जहरीले पौधे भी होते हैं भाई ऐसी जगहों में जब आप आते हैं, तो आपको पता नहीं आप आए तो ठीक ठाक होंगे, बाद में चले जाएंगे बीमार होते। और अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है इस जगह पे तो भाई आपके साथ बहुत बुरी घटना हो भी सकती है, तो कृपया करके अपने आप को बचाएं, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपका भाई आपको नई नई जगह एक्सप्लोर ज़रूर कराएगा, क्योंकि मुझे खुद एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और दो तीन पेड़ के लिए वार्निंग ऑलरेडी बाहर लगी हुई थी जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप रिकॉर्ड कर लेना यार, आओ तो पढ़ लेना, रिकॉर्ड क्या कर लेना, पढ़ लेना ज़रा एक बार, ताकि आपको भी पता लगे कि हाँ जी। और भाई ये सारी जगह ना समुद्र के पास है, तो ना इतनी प्यारी जगह है ना ये। और यहाँ अगर आप किसी को पता हो तो यहाँ एक न्यूड बीच भी है, कभी न्यूड बीच में न्यूड अवस्था में कोई लोग मिलते हैं तो कृपया करके उन्हें डिस्टर्ब ना करें, लेट देम एंजॉय। अगर आपको उनके साथ एंजॉय करना है फील फ्री टू अकम्पनी देम, मिलें बात करें। इस तरह के पेड़ टूटे हुए भी दिख जाते हैं, अरे भैंस की आँख। भागने के लिए ना डोरा द एक्सप्लोरर के पास, बट वही है। तो भाई तंग मत करना किसी को, कंसेंट के साथ कुछ भी करो, ज़िंदगी और लोग दोनों ही बहुत प्यारे हैं यहाँ के। तो भाई क्या पता जो आपकी फैंटेसीज हैं वही फुलफिल हो जाएं इस जगह पे। ये बिल्कुल अपने खेतों की तरह का सीन दिख रहा है मुझे तो अभी इस टाइम पे, जैसे गांव में खेत होते हैं ना, खेतों में ऐसी अवस्था होती है, उसी अवस्था में देखो भैया। जंगल को भी मेंटेन करके रखते हैं गोरे, इस काम में तो भैंस की माहिर है भाई ये लड़के ना, जंगलों में भी हर चीज़ मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है अच्छी तरीके से। और भाई मैं हमें समुद्र नहीं दिखाता, अब आपको दिख गया होगा उधर, देखो ये देखो पूरा समुद्र का व्यू करवाएंगे। कभी भी आए देखो हर तरीके के बंदे होते हैं यहाँ पर, कुछ मैं जला के गंद छोड़ के चले गए तो ऐसी बात नहीं है, हर तरीके की जनता हर देश में है। यहाँ पर पॉपुलेशन ही कम है तो इस तरीके की जनता भी कम है जो अपने देश को ख़राब करती है ना, गंदगी फैलाती है अपने देश में, तो ऐसी जनता बहुत कम मिलती है आपको। बट हर तरीके की जनता है मेरी जान। अब यहाँ से डोरा द एक्सप्लोरर यहाँ से जाने की एक अवस्था वो भी है और एक अवस्था ये भी है, तो हम देखते हैं हम निकल पाते हैं समुद्र की ओर के नहीं। बाकी तो एक्सप्लोर करने के लिए हम हैं ही आपके साथ, आगे जो आ गए हैं वहाँ आप जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि भाई जंगल वंगल बंद है और बाउंड्रीज लगी पड़ी है, तो दूसरी जगह से निकलते हैं क्योंकि यार ऐसी जगह में हमें भी पता नहीं किस तरह के जानवर हमें मिल जाए, साला कोई भरोसा नहीं, हम भी आपको एक्सप्लोर कराने चक्कर में खुद ही एक्सप्लोरर ना बन जाए। और हमें तो यहाँ कोई ढूंढने का भी नहीं, कोई दोस्त यार भी नहीं है मेरा तो एक भी, जिसको कोई फ़र्क भी पड़े कि भैंस की आँख, बंदा जी रहा है मर गया है कोई पता नहीं है। मैं तो अपनी संतुष्टि के लिए नई नई जगह आता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ और कोशिश करता कि आपको भी घुमाता रहूँ दिखाता रहूँ, है ना। बस समस्या यही है किसी दिन कुछ हो गया तो ना कोई पूछने वाला है क्या हुआ कहाँ है, ना ही हमें कोई कॉल करता है भाई, तो हम कहाँ पड़े होंगे हमें भी नहीं पता होगा, और शायद हमारी लास्ट लोकेशन भी किसी को घंटा ही मिल पाए, क्योंकि हम भी ओ भाई 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 वाह।
फाइनली तुम्हारा भाई समुद्र के पास तो पहुंच ही गया। बाकी सारी सूखी हुई काई पड़ी हुई है यहाँ पर, देखने की जगह तो ये भी है। ओ भाई भाई, यहाँ पर आने के बाद ये चीज़ जरूर लेनी है मैंने, कुछ लेना होगा ना लेना हो, ये चैट्स की इज गुड, वेरी वेरी गुड। क्या भगा रहे हैं मस्त यार। इस जगह पे एक अनऑफिशियल न्यूड बीच पे जिसका इशारा कर दिया गया है, सारे मिट्टी विट्टी गिरती रहती है तो देख जाख कराना भाई, कहीं फंस ना जाओ क्या ना, पेड़ वेड़ टूटे हैं, थोड़ा सेफ्टी के साथ आना भाई, जगह ख़राब भी हो सकती है आपकी। रात को तो मत आना इस जगह पर, अगर आप आओगे तो मुझे लगता है पानी का भाव बहुत ज़्यादा होता होगा रात को शायद, क्योंकि अभी सारी काई जो है ना इस साइड देख रहे हो सूखी पड़ी हुई है। और ये पूरा तट ना पूरा पूरा बहता हुआ, बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा है ये जगह, फुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस टू हैंग अराउंड, जहाँ कोई नहीं आता, ना बंदा ना बंदे की जात, और आप अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं फुल अच्छी तरीके से। अगर तट के आप उस साइड देखेंगे तो पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, जो वो भी घुमाऊंगा आपको जब टाइम मिलेगा मुझे। अभी ये जगह बहुत बड़ी है, अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है यार, अभी बहुत कुछ यहाँ पर दिखाने का ना आपको। आई शो यू स्टेप बाई स्टेप, डोंट वरी गाइस। वन ऑफ द एरियल व्यूज, टॉप व्यूज जो भी आप बोलो भाई, टू डैम फार, दिस प्लेस इज सो डैम गुड। वन ऑफ द व्यूज एंट्रेंस के लिए अगर आपको दिखाई दे, ये भी एक वन ऑफ द एंट्रेंस व्यू है। नई नई जगह पे फुल हमेशा ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी एंजॉय, नई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, थोड़ा टायरिंग होगा बाकी प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी है यार, एक बार ज़रूर आना, मज़ा आएगा, यू विल लव इट, श्योरली लव इट। ये भी निकलने की जगह, धीरे 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 हम यहाँ से पहुँचेंगे अब टॉप की तरफ, आराम से हौली हौली देखेंगे पहुँच पाते हैं या नहीं। ओए होए, थोड़ा हिली सा एरिया है भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ओ गॉड, ओ जंगलों से होता हुआ तुम्हारा भाई फुल टॉप पे। पहुंच गया भाई पहाड़ के टॉप के, वाह व्हाट अ व्यू भाई, एक बार जरूर आना। वाह देख पा रहे हैं, चलो उस जगह पर भी जाते हैं, दिखा रहा हूँ ना यहाँ से, ये इस जगह पर पहुँचेंगे इस जगह पर भी, चलो लेट्स गो। करने का रास्ता भी मिल गया तुम्हारे भाई को। ओ भाई वेरी इस बहाने से मेरे फ़ोन की स्टेबिलिटी भी चेक हो जाएगी, कितना स्टेबल है मेरा फ़ोन या नहीं है। बट इट्स अ गुड गुड मैस्पराइजिंग व्यू ब्रो, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं है जो मेरे साथ ऐसे घूमने का शौकीन हो, पता नहीं क्यों यार मुझे नहीं मिल पाते ऐसे बंदे जो घूमने फिरने के लिए, साले लोगों की तो क्लस जाती है खर्चा करने में, तुम्हारा भाई कमाता ही किसके लिए है।
जिंदगी की मौज लो मेरे भाई, जिंदगी फुल मौज लो। हमेशा आते रहना चाहिए दोस्तों, और इस माया नगरी का भ्रमण करने के लिए तो तुम्हारा भाई दिल से जुझारू हमेशा तैयार। और कितनी प्यारी जगह है यार, ऑलवेज बी रेडी फॉर द वॉक बॉयज। तो भाई फाइनली समुद्र के पास पहुंच गया तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई ने बोला था आपको दिखाएगा सारी जगह। ये बहुत मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत प्रेम है इसमें इस जगह से। जितनी भी नई जगह जाओ, पानी, पहाड़ी इलाका, ये बड़ा कॉमन है, हरियाली। और जब बर्फ़ होगी सब समुद्र में, सारा समुद्र बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका होगा। एंड होपफुली अगर मैं ओंटारियो में रहा, इस जगह के आसपास रहा, तो उस टाइम में ज़रूर की ज़रूर आपको इस जगह के बारे में बताऊँगा। अब इस जगह का नाम भी बताता हूँ, इस जगह का नाम है ईस्ट पॉइंट पार्क, विच इज़ ऑल्सो एन अनऑफिशियल नूड बीच हेयर। अनऑफिशियल, एंड आई एम टेलिंग अनऑफिशियल, इट लिटरली मीन अनऑफिशियल। सो भाई कुछ भी करें ज़िंदगी में सेफ्टी के साथ रहें, मौज मस्ती में कमी नहीं, लेकिन बच के रहें ना बाकी ना। अब सबसे प्यारा जो मेरा एक एक्सप्लोर करने वाली जगह जो हमेशा मुझे पसंद आई, देखो अरे पेड़ का नेचुरल ब्यूटी जो है भाई कनाडा के अंदर, सच्ची में भगवान ने बड़े प्यार से दिया है कि, और सालों ने मेंटेन भी अच्छे से करके रखा हुआ है। आप देखो हमारे लोहे के ब्रिज बहुत सारे हैं यहाँ अच्छी तरीके से जाने वाले, मैं भी अच्छे से जाता हूँ घूमता फिरता हुआ। देखो लॉट ऑफ ब्रिजेस आउट देयर, पानी आ रहा है, और वो भी दिखाऊंगा उस जगह को भी अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्यारा है ये जगह। उस जगह पर भी लेकर जाऊंगा आपको, देखो उसके लिए वो ब्रिज जा रहा दर से, यहाँ से वो जा रहा हुआ नीचे फुल पानी, एक गंदा पानी है, लेकिन इसमें साले फिशिंग करने के लिए फिशिंग वाली जनता बतेरी है भाई। और ऊपर वो कैनेडियन ट्रेन चलती हो मतलब वहाँ जाती है, सॉरी भैंस की चलती हुई जो चलती हुई दिखती हो दिखाता आपको, बट कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। भाई बहुत चलना पड़ जाता है पता यार, और पैदल चलने का ईस्ट पॉइंट पार्क। ये रहा आपका ईस्ट पॉइंट पार्क की एंट्री, समुद्र से भरा हुआ जगह भाई, फुल समुद्र समुद्र और लेक्स है वैसे बेसिकली सारी, और बहुत बड़े बड़े लेक्स हैं यार, है मस्त। आशा करता हूँ आपका ऐसी वीडियो देखने में थोड़ा आनंद आता होगा। ज्ञान की बातों में किसी को मज़ा नहीं आता, और ज्ञान की बातें पहले मुझे भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि तो दुनिया बहुत कमी नहीं है, और इंसान खुद ब खुद सीखता है, अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखना पसंद करता है, दूसरी गलतियों से कम। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम भी ऐसे आपको घूमते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, नई नई जगह दिखाते रहेंगे। हेलो ट्रेन जाते, गो ट्रेन जा रही है सामने से, मतलब गो ट्रेन का स्टेशन था, गो ट्रेन सी गो ट्रेन आता है, गो ट्रेन एरिया पर ये बताया था मुझे। क्या ही मस्त जगह है मेरी जान, जितना घूमूं भैंस की एनर्जी चाहिए होती है जगह घूमने के लिए भाई, बहुत ज़्यादा। अब पानी नहीं लेकर आना चाहिए था जो मैं लेकर नहीं आया हूँ, नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा भाई, छिपके पानी भर के लाओ। ओह गॉड, कीड़ा पता नहीं कौन सा कीड़ा, कोई जानता है इस कीड़े के बारे में नाम बताओ। पैंस की झिक 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 भागे जा रहा है, देखो तेज 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 तेज, पता नहीं क्या है ये, फक बॉय है।
चलने की मेरी हिम्मत नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि ना साले पार्क कितने किलोमीटर है मुझे खुद पता नहीं है, और जहाँ तक देख रहे हो समुद्री तट ही तट है, और ये बहुत बड़ा पार्क लग रहा है जहाँ से बना हुआ। मेरी कार बहुत पीछे उस साइड अपोजिट साइड में जहाँ से हमारे वहाँ से पार्क है, और वहाँ से आने में भी बहुत टाइम लगेगा है। ये जगह देख रहे हो उस पहाड़ी पे टॉप पे चढ़ा होता मैं, उस जगह पे चढ़ के तुम्हारा वीडियो दिखाया मैंने, अब वहाँ से अब इस साइड आ चुका हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा हूँ। अब ज़्यादा हिम्मत नहीं है मेरे भाई की, क्योंकि यहाँ से वापस भी जाना है, वापस जाने में पहुँच भी पाऊँगा कि नहीं पता नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।